नमस्कार सबको। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, पिछले दिनों हमारे यहाँ पे एक दुखद घटना हुई जिसमें हमारे एक कैब ड्राइवर को अगवा किया गया, फिर उसका मर्डर किया गया। जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई 19 शाम को, तो हमने तुरंत जो है उस पर कार्रवाई करते हुए 4-5 टीमें बना ली। एक टीम हमने उस गाड़ी का पीछा करने के लिए बनाई, जिसको तुरंत रवाना किया गया। एक टीम हमने कटरा भेजी, वहां पे कुछ इन्वेस्टिगेशन करके कुछ क्लू मिले। एक हमने टेक्निकल टीम को काम दे दिया, जो मोबाइल और सीरियास का एनालिसिस करने के लिए, और एक सर्च टीम बनाई गई जो कि हाईवे के आसपास का एरिया सर्च करती है। इस सभी कार्रवाई के दौरान में हमें पब्लिक ने बड़ा सपोर्ट किया, हमें विक्टिम है उनकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, और जिस भी एजेंसी से हमने मदद मांगी उन्होंने हमें सपोर्ट किया, और आप सभी ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया उसके लिए। फाइनली जो हमारी टीम बाहर गई थी इस गाड़ी को चेज करते हुए, और जो कटरा में हमारी टीम थी, कटरा से हमें कुछ क्लू मिले, उसके ऊपर काम किया गया, और जो टीम हमारी हरियाणा गई हुई थी उन सब उनको वो चीजें आसान होती रही टाइम टू टाइम। इन बंदों को हमने आइडेंटिफाई किया और वहां की पुलिस के साथ रابطہ किया। हरियाणा पुलिस ने हमें बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम 11 लोगों को पकड़ पाए। उस सभी को हमने यहां लाया है, अपने केस में गिरफ्तार किया है, आज रिमांड भी लिया है। और इसमें एसपी रूलर, एसडीपीओ नगरोटा, एसएचओ नगरोटा और एसएचओ जजरपुर, इन सब की टीमों ने बहुत बढ़िया काम किया है। हमें सिर्फ इस बात का दुख है कि हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोशिश ये थी कि हम किसी भी तरीके से उस इंडिविजुअल को ढूंढ पाए और उसको सुरक्षित ढूंढ पाए, लेकिन उसमें क्योंकि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आने से पहले ही ये चीज ये घटना को अंजाम दिया गया। खैर, अभी हमने इस केस को क्रैक किया है और बड़ा जल्द ही किया है, जिसके लिए ये पूरी टीम जो है बधाई की पात्र है। और हम आपके माध्यम से जनता को आश्वस्त भी करवाना चाहते हैं कि इसमें जो भी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होगा, जो मैक्सिमम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होगा, उसका हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे। सर, उद्देश्य क्या था इस सबके पीछे का? देखिए, अभी ये जो है ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इतनी जल्दी हम उद्देश्य को हम आपको बता दें। देखिए, नहीं, जब हमारी टीम वहां थी तो इनको पकड़ने के लिए जब निकली है तो ये लोग भाग रहे थे, तो हमारी टीम ने जो हरियाणा की पुलिस थी इनको डराने के लिए, इनको चेज करने के लिए हवा में फायरिंग की, क्रॉस फायरिंग के लिए। देखिए, जो अभी तक जानकारी मिली है कि एक दो बंदे वहां में भी किसी केसेस में मुलव्वस है, लेकिन अभी क्योंकि बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, हमें पूछने का टाइम भी नहीं मिला है। अभी जब गिरफ्तारी हुई है तो जो मोटी मोटी चीजें हैं वो मैंने आपको
ये सभी के सभी बाहर के हैं, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हरियाणा में, वहाँ के रहने वाले हैं। तो आपको डिटेल सारी शेयर की जाएगी। सर कटरा में 8 लोग आए हैं, 11 की हुई है, 3 लोगों का क्या रोल था उनका? तो उसमें क्या होता है कि कभी भी कोई घटना होती है, घटना करने वाला एक या दो आदमी होता है, लेकिन उसका साथ देने वाले बड़े सारे। तो क्या 11 लोग आए थे कटरा या 8 लोग आए थे? अभी 7 या 8 लोग कटरा में थे, ये जो 4 या 3 लोग है ये उनको हाथ ब्रिंग के उसमें हम लोगों ने 11 लोगों को पकड़ा है, क्या कुछ और लोग भी इससे मुलव्वज़ हो सकते हैं? देखिए ये जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो जैसे पता चलेगा। तो मर्डर कैसे किया गया सर? सर मर्डर कैसे किया गया ये भी अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जी। पोस्टमार्टम तो होगा, प्रीलिमिनरी कुछ तो बताया होगा? देखिए पोस्टमार्टम अभी हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में भी टाइम लगता है। सर क्या कुछ इनसे, सर क्या कुछ इनसे बरामद हुआ है जो अभी तक आपने? कुछ सामान बरामद हुआ है, टोके शोके और उस तरह की चीजें। सर रिपीटेडली इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पर कुछ बाइकर्स आके गाड़ियों को हिट करते हैं, तो क्या कोई इस तरह का गैंग एक्टिव है यहाँ पर? एनी इनपुट रिगार्डिंग दैट? नहीं, आप देखिए हम इस केस के बारे में बात कर रहे हैं। सर ये लोग पहले भी इस केस में जम्मू में कुछ ऐसा इनकी तरफ से किया गया या ऐसा पहला भी? अभी मैं वही बता रहा हूँ आपको कि अभी हमने जस्ट इनको गिरफ्तार किया है। अभी ये जितने भी सवाल आपके जहन में है ये सभी सवाल हमारे भी जहन में है। कुछ नहीं कह सर, पुलिस के लिए कितना चैलेंजिंग था ये केस सर? देखिए चैलेंजिंग तो रहता ही है क्योंकि आपके पास कोई क्लू नहीं, आपके पास सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन है कि एक गाड़ी जो कि तो ड्राइवर था उसने अपनी सिस्टर को फोन किया कि मैं ये सवारी छोड़ के आपके पास 2 बजे तक आ जाऊंगा, उस दिन रक्षाबंधन था। तो जब शाम तक वो आदमी नहीं आया तो फिर वो लोग हमारे पास आए और बिल्कुल क्लूलेस थे हम लोग की इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। रिमांड लिया है तो हमें थोड़ी पूछताछ करने का मौका दीजिए, 2-4 दिन जब हम अच्छे से गहनता से इसकी अभी तक ये है कि ये वारदात इन लोगों ने करी। सर अभी तक एडमिट कर लिया सर इन्होंने? क्या कोई गैंगस्टर लिंक इनका सामने आया है या इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट? ये भी कवरेज अभी बताना मुश्किल है। कुछ और लोग एडमिट कर लिए सर, शिकायतें जारी करेंगे क्योंकि ये एपिसोड अगर एक हुआ किसी और के साथ ना हो। देखिए ये क्या पूछ रहे थे आप? सर ड्राइवर जो है इस समय डरे हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ आप कहेंगे, किस तरह की सिचुएशन है क्योंकि सवारियां वो बिठाते हैं? देखिए एक चीज आपको बता देते हैं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक वारदाती घटना हुई है और इस घटना को हमने पुलिस ने जल्द अज जल्द सॉल्व कर फिर कन्फेशन कर लिया। लेकिन देखिए यहाँ से हजारों गाड़ियां जो है, हजारों लोग ये काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि खुलेआम ये सारी चीजें किसी और लोग को भी अप्रिशन से और भी लोग हो सकते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितने सवाल आपके जहन में है वो सारे हमारे जहन में भी है। कन्फेशन देखिए कन्फेशन है ना कि ये लोगों ने ये काम करने वाले यही लोग हैं, ये जो घटना अंजाम मर्डर की सतह से किया गया जम्मू में काफी इंसिडेंट इस तरह के अब होने लगे हैं, पहले आरसपुरा में भी फायरिंग वगैरह भी, क्या कुछ ऐसा प्लान किया जा रहा है स्पेशली कैब ड्राइवर्स के लिए, सीसीटीवी कैमरा इंफॉर्मेशन गाड़ियों में भी एंड रूट भी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि क्लूलेस रहे आपकी काफी समय के लिए, बट सर इस तरह से इन चीजों को बेहतर किया जाएगा उसके लिए कुछ प्लान किया? सर इस तरह की हदायतें जो है वो ऑलरेडी सभी ड्राइवर्स कैब ड्राइवर्स को बताया गया और उसमें कैमराज लगाने के लिए सबको ऑलरेडी बताया गया हुआ है, हमारे से पहले ही बताया गया हुआ है। इसके अलावा हाईवे के ऊपर जो है एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें सीसीटीवी कैमराज जो है लगाए जा रहे हैं, ये सिर्फ जम्मू नहीं, जम्मू
पूरे हाईवे पे बलमपुर से लेकर श्रीनगर तक प्रोसेस चल रहा है। सर जनता को क्या कहेंगे, खास करके ड्राइवर तबके के जिस समय डर के माहौल में कि एक गिरोह आता है, ग्रुप आता है और ड्राइवर को अबडक्ट करता है, यानी उन्हें किडनैप करता है, उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है, क्या कहेंगे? देखिए मैं ये सभी से अपील करूंगा कि हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है अपने अपने जीवन में। अगर किसी को भी इस तरह का शक मालूम होता है, किसी के ऊपर शक जाता है, पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करें और टाइम लें। बाहरी राज्य से यहाँ पर आए हुए थे, तो किस मंशा से जम्मू आए थे? इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मैं बात बता सर। सर परिवार का कहना है, परिवार का कहना है बड़ा अच्छा काम पुलिस ने यहाँ दिखाया है, चंद घंटों में गिरफ्तार किया, ऐसा परिवार कह रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लैक ऑफ सीसीटीवी फुटेज के कारण चेहरे तक नहीं पहचाने जा रहे थे, गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था, क्या आपको भी दिक्कत आई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन? दिक्कत होती है लेकिन हमारा काम ही है दिक्कतों के साथ फाइट करना, हमारा काम ही है। सर एक सवाल, सर जनरली जैसा आपने बताया कि डिफरेंट एजेंसीज ने आपको कोऑपरेट किया इस जगह पे, इस तरह के जो वारदात जो है वो आगे ना हो, जम्मू पुलिस क्या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और बाकी जो नोडल एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर कुछ इस तरह के इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो कैब ड्राइवर्स हैं, एटलीस्ट जनरली क्या होता है कि जब किसी तरह की गाड़ी बुक की जाती है तो उसमें किसी तरह का